मी शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर विद शालिनी। सो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लेके आ गई हूँ मीशो से परचेज किए हुए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लाइट वेट की साड़ियों का रिव्यू, जो कि आप अपकमिंग वेडिंग सीजन में इजिली पहन सकते हो या फिर किसी भी फेस्टिवल में भी आप बिना सोचे इन्हें पहन सकते हो। बिकॉज समर स्टार्ट है तो थोड़ी सी लाइट वेट की साड़ियाँ ही मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं पहनना, तो उसी तरीके का कलेक्शन आज का होने वाला है। इनकेस अगर आज के हॉल में से आपको कोई भी साड़ी पसंद आती है, आप उसे परचेज करना चाहते हो, तो इनका आपको बाइंग लिंक एक सिंगल मैंने दे रखा है हॉल पैक का, उस पर टैप करके आप इजिली इन साड़ियों को परचेज कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के रिव्यू। सो गाइस, जो इस हॉल की मैं फर्स्ट साड़ी आपके साथ शेयर करने के लिए लेके आ गई हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत से कलर कॉम्बिनेशन की साड़ी होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अफोर्डेबल प्राइस तो बहुत ज़्यादा था, वो मैंने आपको साइड में मेंशन कर दिया है। देखने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था वेबसाइट के ऊपर, सो मैंने इसे पिक कर लिया। सो इस तरीके का दो कलर आपको मिलने वाला है, पिंक के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत वाइब्रेंट दिखता है। सो आप इजिली किसी भी फंक्शन में आप पहनना चाहते हो शादी के, आप इजिली डाल सकते हो। इस तरीके का आपको मिलने वाला है। साड़ी ना बिल्कुल प्लेन ही जाने वाली है, बट साड़ी का कलर कंट्रास्ट ना इसको थोड़ा सा वेडिंग वाइब्स दे रहा है, पार्टी वाला वाइब्स दे रहा है। सो इस तरीके का दो पैटर्न का आपको मिलेगा। इस पे एक्स्ट्रा में आपको इस तरीके की बहुत पतली सी लेस वर्क मिल जाएगी। साड़ी की जो सबसे नोटेड चीज़ है ना, वो इसका फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल शिफॉन बेस की जो साड़ियाँ आती है ना उस तरीके का है। एंड एक चीज़ और भी है ना साड़ी के साथ प्लस पॉइंट, कि आप इसको अगर आप डेली बेसिस पे भी पहनना चाहोगे तो ईजिली पहन लोगे। आप इसको आराम से हैंड वॉश या फिर मशीन वॉश कर सकते हो, बिल्कुल भी कुछ भी इस तरीके का है ही नहीं साड़ी में जो ख़राब होने वाला है। तो डेफिनेटली अगर हम प्राइस से कंपेयर करें तो बिल्कुल पैसा वसूल साड़ी है। इसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है बहुत खूबसूरत एंड प्रीमियम क्वालिटी का बैंगलोरी सिल्क का मटेरियल ब्लाउज के लिए। इसमें बहुत अच्छी सी शाइन है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी की जो फैब्रिक्स आती है ना वो आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ इस पे भी आपको लेस वर्क करके मिल जाता है, तो आप आराम से अपने स्लिप्स पे या बैक एरिया में कोई डिजाइन क्रिएट कराना चाहो तो इस लेस के साथ करा सकते हो। साड़ी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, अगेन मैं आपके साथ बताऊंगी ये, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का साड़ी पहनना। आप साइड में देख सकते हो, अगर आप बिगिनर भी हो ना तो लाइट वेट की साड़ी आप डेफिनेटली ट्राई करो। किसी भी, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी साड़ी ही पार्टी में पहनना है तो अच्छा दिखेगा, बिल्कुल नहीं। आप नॉर्मल साड़ी या फिर बहुत लाइट वेट की साड़ी को भी पार्टी लुक दे सकते हो अपने मेकअप के साथ एंड अपने ज्वेलरी के साथ, एंड आप कंफर्टेबल भी रह सकते हो एंड सबसे अलग भी दिख सकते हो। तो डेफिनेटली आप इस साड़ी के साथ जा सकते हो, बहुत खूबसूरत है, डेफिनेटली परचेज करने लायक है। सो मूव ऑन करेंगे हम आज के नेक्स्ट की। मैं नेक्स्ट साड़ी शो करूंगी। वैसे तो मैं मोस्टली जो सबसे खूबसूरत साड़ी मेरे अकॉर्डिंग होती है वो मैं लास्ट में शो करती हूँ, बट आज मैं इसको बीच में ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट साड़ी है आज के हॉल का। इसका फैब्रिक इतना प्रीमियम है ना कि आपको बिल्कुल यकीन नहीं होने वाला है कि आपने बस इतना ही पे किया इसके लिए। बिकॉज जो 1000 की साड़ियाँ होती है ना, उस प्राइस रेंज की ये साड़ियाँ आपको मिलती हैं, बिकॉज इसका फैब्रिक बहुत A1 क्वालिटी का रिसीव हो रहा है, बहुत रिच क्वालिटी का है। मैं आपको साड़ी शो करूं, इस तरीके का साड़ी वैसे बिल्कुल प्लेन है, बस आपको ना इसमें थोड़ा सा बंधेज वाला जो या फिर लहरिया वाला जो प्रिंट होता है ना वो देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का आपको टेसल्स वर्क मिल जाएगा आपको आपके आंचल के एरिया में। उसके बाद ना इसमें पतली पतली सी लाइनिंग गई है जिसमें बहुत हल्की हल्की सी शाइन है। फैब्रिक इतना खूबसूरत है ना कि मतलब इसको छू के ही मजा आ रहा है, पहनने के बाद तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। इस तरीके का आपको पूरा मिलने वाला है पैटर्न, इसमें पतली पतली सी लाइनिंग गई हुई है, फिर थोड़ी सी आपको ब्रॉडनेस वाली भी लाइनिंग गई हुई है, तो ये साड़ी ना पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इस तरीके का पूरा आपको साड़ी जाने वाला है, इस पर पिक्चर्स वगैरह आपको क्लिक कराना ना तो बहुत सुंदर आएगा। तो डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से वर्थ बाइंग है। इसी में आपको रनिंग ब्लाउज भी प्रोवाइड किया गया है, अलग से इसका ब्लाउज का फैब्रिक नहीं आया है। तो साड़ी की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी इतनी भर भर के है कि आप आराम से इसमें से पीछे से स्टिच करा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नहीं स्टिच कराना है तो आप कोई भी कलर का इस पर कंट्रास्ट चला सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसके साथ मैच करके चलाना है तो भी चला सकते हो, या फिर आप इसमें से कट करा के ब्लाउज भी बनवा सकते हो। साड़ी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, प्लस आपको टच करने पे ही पता चल जाएगा कि साड़ी बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। लुक को भी आपको मैंने शेयर कर रखा है, तो लुक बुक भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा क्लासी है। तो डेफिनेटली वर्थ द प्राइस है, मैं इसके साथ भी आपको बोलूंगी कि आप 100% इसके साथ भी जा सकते हो। सो मूव ऑन करेंगे हम आज के नेक्स्ट की तरफ।
सो गाइस जो मैं नेक्स्ट साड़ी शो करूंगी ना, फर्स्टली मैं उसका ब्लाउज का फैब्रिक शो कर देती हूँ आपको। यहाँ पे गोल्डन कलर या फिर डार्क बेज कलर का आपको ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाता है। बैंगलोरी सिल्क का ये आपको ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है। अप्रॉक्स 80-90 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक है, तो इनफ है। अगर आप मीडियम साइज के हो तो आराम से आपका ब्लाउज बन जाने वाला है। इस तरीके का क्वालिटी भी अच्छा है। तो ब्लाउज का फैब्रिक मैंने आपको शो कर दिया। अभी आएंगे साड़ी पे, तो साड़ी बहुत खूबसूरत है। इस टाइम की जो ट्रेंडिंग साड़ी है ना, वो वाली साड़ी है। साड़ी का वर्क भी बहुत ट्रेंडिंग है इस टाइम, ये वर्क बहुत ज्यादा चला हुआ है। तो साड़ी का फर्स्टली कलर जो है ना, वो बहुत प्यारा सा डार्क मजेंटा पिंक कलर है। उसके ऊपर ना आपको इस तरीके के गोल्डन कलर के लाइनिंग मिल जाएंगे। ये जो है ना, ये बहुत अच्छा सा शाइन कर रहा है। इसको तार बोल सकते हैं आप। तो तार बेस की ये साड़ी मिलने वाली है। साड़ी में सिर्फ यही वर्क पूरा भर भर के किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल पार्टी वाली लुक आपको देने वाली है। फैब्रिक जो है इसका बहुत ज्यादा लाइट है, मतलब शिफॉन कम जॉर्जेट जो आता है ना, खुद खुदा वाला, वो वाला आपको यहाँ पे फैब्रिक रिसीव हो जाता है। साड़ी देखने में बहुत सुंदर है। आप डेफिनेटली इसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बजट रेंज जो है थोड़ा कम है, तो डेफिनेटली आप वर्थ द बाइंग प्राइस है। इस साड़ी को अगर आप गर्ल हो तो भी पहन सकते हो, मैरिड हो तो भी पहन सकते हो। ये किसी एक सेक्शन में फिट नहीं होता, बिकॉज इस तरीके का वर्क है ना कि कोई भी वियर कर सकता है। और प्लस रात के टाइम पे ना, ये वर्क इस कलर के साथ काफी अच्छा सा ग्लोइश शाइन दे रहा है। एंड कलर ऐसा है कि इंडियन स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से जाता है। तो डेफिनेटली ये साड़ी भी ट्राई करने लायक है। बहुत ज्यादा लाइट वेट है एंड बहुत इजीली ड्रेप हो जा रहा था। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप डेफिनेटली इसको भी परचेज कर सकते हो। सो मूव ऑन करेंगे हम आज के नेक्स्ट की तरफ। इस हॉल की मैं नेक्स्ट साड़ी शो करूंगी ना, मोस्ट ट्रेंडिंग साड़ी है, बहुत ज्यादा वायरल वाली साड़ी है ये भी। सो इसका जो मैंने सोच के रखा था, हल्दी फंक्शन के लिए ये साड़ी मैंने परचेज किया था कि बहुत परफेक्ट जाएगा हल्दी के फंक्शन में, या फिर कोई भी इस तरीके का पूजा हो उसमें भी आप पहन सकते हो। ये कलर कॉम्बिनेशन पूजा के लिए या फिर हल्दी के लिए ही बना होता है, मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है पूजा फंक्शन में ये कलर। तो आपको इस तरीके का मिलने वाला है लेस वर्क। पूरी साड़ी के ऊपर ऐसे आपको लेस वर्क करके मिल जाएगा, काफी अच्छा वाला लेस का वर्क इसमें आपको मिल जाएगा। पूरी साड़ी जो है ना, वो प्रिंट के साथ जाएगी। एंड इसका भी फैब्रिक जो है ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत खुदखुदा वाला जो जॉर्जेट होता है ना, वो वाला रिसीव होता है। तो साड़ी पे प्रिंट तो है ही, साथ ही साथ आपको फॉइल प्रिंट का वर्क भी मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन बहुत वाइब्रेंट वाला है, लेस का वर्क भी बहुत प्रीमियम है। तो पूरी इसी तरीके से जाने वाली है। ऊपर के साइड में जो लेस वर्क है आपको लगभग 2 मीटर प्रोवाइड किया गया है। नीचे के साइड में आपकी फर्स्ट ड्रेपिंग जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ से ही लेस का वर्क प्रोवाइडेड है। तो बहुत इजीली इस साड़ी को आप ड्रैप कर लोगे, साथ ही साथ आपको बहुत सुंदर सा लुक देने वाला है, प्लस आपके बजट में भी बहुत अच्छे से फिट हो जाने वाला है। सो पूरी साड़ी इस तरीके की जाने वाली है। इसके साथ ब्लाउज का आपको कंट्रास्ट मिलेगा रेड कलर का। ये भी काफी अच्छा सा मटेरियल आपको बैंगलोरी सिल्क का प्रोवाइड किया गया है, प्रीमियम है, आराम से आप ब्लाउज इसका बना सकते हो। साथ ही साथ ये आपको लगभग ना 80-90 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफी इनफ है। आप कितने भी हेल्दी हो, ब्लाउज बन जाएगा। साथ ही साथ पूरे ब्लाउज के फैब्रिक के ऊपर ना आपको इस तरीके का बॉर्डर भी मिल रहा है। तो आप अगर कोई स्पेशल डिजाइन क्रिएट कराना चाहते हो तो इजिली इसके साथ करा सकते हो। इसका भी लुकबुक मैंने आपको साइड में शेयर कर दिया है, आप देख ही सकते हो। सो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है। मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट जो मैंने सेकंड नंबर का शो किया था ना, वो है, बिकॉज बहुत इजिली ड्रैप हो जा रहा है और बहुत सुंदर दिख रहा है पहनने के बाद। तो डेफिनेटली आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी आज के बाद में से साड़ी परचेज कर सकते हो, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये रहा मेरा आज का एक छोटा सा हॉल वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा या फिर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।